अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीपीयू एंड स्टोरेज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम जो कवर करेंगे चीज़ें, जो टॉपिक कवर अप करेंगे, उसमें है कि हम लोगों के पास हमें डिफरेंशिएट अमंग वेरियस स्टाइल ऑफ सिस्टम यूनिट ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस, कि डिफरेंशिएट करेंगे जो डिफरेंट स्टाइल है हमारे सिस्टम यूनिट ऐसा सीपीयू ही है आपका, उसके जो डिफरेंट स्टाइल हैं, उसके कंपोनेंट्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स हैं, या उसमें जो नोटबुक कंप्यूटर आ जाती है या मोबाइल कंप्यूटर आ जाता है उसके कंपोनेंट्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो हम उनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि सीपीयू के सच कंपोनेंट्स होते क्या हैं, फिर उसमें जो सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होगी। देन हम लोग जो कंपोनेंट्स के आगे फर्दर कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक कंपोनेंट आता है प्रोसेसर का, प्रोसेसर इज़ द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर। तो इस तरह के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं विद इन द कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स के आगे कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, इससे आप लोग पहले से भी फेमिलियर हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन जो हम लोग फर्स्ट डे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो प्रोसेस होती हैं, देन वो एग्जीक्यूट होती हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, वो क्या उसके फोर मेन स्टेप्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ, कि हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ वो क्या सेम फोर स्टेप्स हैं, फाइव हैं, ये फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो स्टेप परफॉर्म करता है। ये हमारे इस टॉपिक के हमारे कॉन्टेंट हैं, या आप ये कह दें कि ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का, जो एट द एंड ऑफ टॉपिक हमें कुछ जिन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, वो ये चीज़ें होंगी, ये ऑब्जेक्टिव हैं। फिर मेमोरी की बात आएगी, कंपोनेंट है ये भी एक सीपीयू का, तो मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, आगे इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट जो भी सीपीयू में कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के बारे में, कोई पोर्ट है, जो पोर्ट्स आती हैं या कनेक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो पोर्ट्स और कनेक्टर किस बात के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, बसेस क्या काम करती हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बसेस एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डिफरेंट बसेस, देन पावर सप्लाई, द एक्सप्लेनेशन द फंक्शन ऑफ पावर सप्लाई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू क्लीन अ सिस्टम। तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम अपने एक सिस्टम को क्लीन अप कैसे रख सकते हैं। तो ये हमारे इस आज के टॉपिक के मेन कॉन्टेंट हैं, जिसमें हम लोग, हमारा टॉपिक है सीपीयू एंड स्टोरेज, और उसमें हमारे मेन कंटेंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि हमने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले बात आ जाती है सिस्टम यूनिट, अक्सर जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू भी कहते हैं। तो हमारे पास सिस्टम यूनिट जो है वो एक केस है, दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड बाय द प्रोसेस डेटा, कि आपके पास एक केस है जिसने बहुत से मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंटेन किए हुए हैं, और वो जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे यूज़ किए जाते हैं किसी भी डाटा को, एनी टाइप ऑफ डाटा दैट विच यू इंटर इन द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। तो वो डाटा जो है उस डाटा की प्रोसेस के लिए आपके पास क्या यूज़ किए जाते हैं, वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंबाइन करके एक सिस्टम केस में रखे गए। अब जैसे आपको फ्रंट स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये एप्पल वालों का डेस्कटॉप कंप्यूटर है, देन आपको नोट पैड नज़र आ रहा होगा, एक MP3 नज़र आ रहा होगा, तमाम के साथ उनका सिस्टम यूनिट, उन्होंने एक एरो के साथ डिफाइन किया गया है कि इनके सिस्टम यूनिट भी साथ में क्या किए गए हैं, डिफाइन किए गए। अब देखिए सिस्टम यूनिट्स ऑब्वियसली हर एक कंप्यूटर के लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे हम लोगों के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ब्रेन रिक्वायर होता है। तो हमारा CPU का ब्रेन की अगर बात की जाए तो वो कंप्यूटर की अगर ब्रेन की बात की जाए तो वो उसका CPU होता है, सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर तमाम के तमाम कंपोनेंट्स उसके इंसर्ट किए गए होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं, जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द डेटा प्रोसेसिंग, एनी टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये हमारा होता है सिस्टम यूनिट। देन हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर किसी एक डेस्कटॉप के सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ड्राइव बाय होता है, ड्राइव बाय आपका किसी भी, कोई भी ड्राइव अगर आपने इंस्टॉल करनी हो, कोई भी कोई भी अगर आपने पास आपने देखा हो, सबसे पहले बहुत पुराने जो कंप्यूटर्स होते हैं डेस्कटॉप में, देखिए यहाँ पर ये ड्राइव बाय की है, यहाँ पर आप इसके एक छोटा सा बटन यहाँ पर
है जो आप इसको पुश करते हैं बटन को, तो ये ड्राइव जो आपकी ड्राइव बाय है, तो ये एक प्लेट की तरह की एक आप कह दें ड्राइव है जो आपको बाहर आ जाती है, और इसमें आप हार्ड आप अपनी डिवाइस सीडी या कोई भी चीज़ जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो थ्रू सीडी, तो आप थ्रू इसके कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं। पावर सप्लाई आ जाता है। पावर सप्लाई भी आपको पता है कि जैसे ही कंप्यूटर को एक सिग्नल मिलता है तो कंप्यूटर आपका ऑन होना शुरू हो जाता है। साउंड कार्ड्स हैं जो यहाँ पर ये आपको दिखाए गए हैं, अगर मैं पिक्चर थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो यहाँ पर ये देखें आपके साउंड कार्ड दिखाए गए हैं। ये साउंड साउंड कार्ड हैं जो आपकी साउंड सिस्टम के लिए, माइक्रोफोन के लिए, साउंड इन आउट के लिए आपके क्या किए जाते हैं यूज़ किए जाते हैं। देन आपके पास आ जाती है ये देखिए मेमोरी की एक चिप डिफाइन की गई है। मेमोरी है आपकी जो आप जिसकी आप स्टार्ट से बात करते हुए आ रहे हैं, जो डेटा को आपके को स्टोर करती है, लोड करती है और देन आगे सीपीयू की तरफ ट्रांसफर करती है कि वो डेटा को प्रोसेस करे। अब आगे आपके पास आ जाता है ये आपके पास इंटेल कोर i7, ये आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर आपका सारा जो मेन आप कह दें कंट्रोल जो होता है वो प्रोसेसर के पास होता है, सॉरी वो आपका सिस्टम पूरे को, पूरे प्रोसेस को क्या कर रहा होता है कंट्रोल कर रहा होता है। और ये आपके पास आ गया वीडियो कार्ड, ऑब्वियसली वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो आपके वीडियो कार्ड क्या कर रहे होते हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब बात आ जाती है ये तमाम के तमाम जो हैं ड्राइव बाय, मेमोरी, प्रोसेसर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारे कंपोनेंट हैं आपके सिस्टम केस के। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं सिस्टम केस के और ये सारे आपस में इंटरलिंक होते हैं फॉर द डेटा प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ आपको समझानी थी कि सिस्टम केस, अब आपको देखें समझ आ गई होगी कि सिस्टम केस जो है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, और वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ये हमने डिस्कस कर दिए। ड्राइव बाय, पावर सप्लाई, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, प्रोसेसर एंड मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि मदरबोर्ड। अब देखें ये जो सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो, एक ये येलोइश येलोइश सा बोर्ड जिसके ऊपर बहुत सी केबल्स हैं और ये फैन सा लगा हुआ है, तो ये एक्चुअल में आपका होता है मदरबोर्ड। ये जो आगे इन्होंने डिफाइन किया है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें तमाम की तमाम आपकी जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके इसमें सर्किट्स इंटीग्रेट किए गए होते हैं आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर है कि मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट। ये मेन सर्किट बोर्ड है आपके सिस्टम यूनिट का, जिसमें आपके मेन मेन कंपोनेंट जैसे मेमोरी हो गई, प्रोसेसर हो गया, अडाप्टर कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, अडाप्टर कार्ड, एक्सटेंशन कार्ड्स हो गए जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। फर्दर हम लोग आगे डिस्कशन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इनकी। अब ये आपका देखिए आपके पास आ रहा होगा ये पूरा होल क्या है, मेन बोर्ड है जिसको क्या कहा जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है कि इसमें आपके पास जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो इसमें इंटीग्रेट किए गए होते हैं। अब यहाँ पर ये देखें ये कोई भी मेमोरी है जिसके लिए आपके पास ये स्लॉट्स क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं, और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर आपने मेमोरी की स्लॉट्स को इंसर्ट करना है। अब ये जो स्लॉट बताई गई है ये आपकी देखें बताई गई है प्रोसेसर चिप की स्लॉट बताई गई है, एंड देन आपकी ये स्लॉट्स देखें एक्सपेंशन कार्ड या आप इनको कह दें अडाप्टर कार्ड्स की स्लॉट्स बताई गई हैं। अब ये सारे बाकी ये सर्किट्स इंटीग्रेट किए गए हुए हैं मदरबोर्ड पे, आपके देखें आपके ये सारे सर्किट्स जो हैं ये बनाए गए हैं। अब ये आपका मेन मदरबोर्ड है जिसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि यहाँ पर ऐसी वायर्स होंगी या ऐसी वायर्स जो इंटीग्रेट की गई हैं, बिल्ट इन ही हैं इसमें, जो प्रोसेसर मेमोरी मेमोरी प्रोसेसर और इन एक्सपेंशन कार्ड्स को आपस में क्या करवाएंगी कम्युनिकेट कम्युनिकेट करवाती हैं, सॉरी कंप्यूटर आपस में इन तमाम सिस्टम्स को आपस में क्या करवाती हैं कम्युनिकेट करवाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेसर आ जाता है। प्रोसेसर आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसमें आपके पास आप अगर बात करें तो ये इंटरप्रेट करता है, कैरी आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट ऑन कंप्यूटर, कि ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर में जो ऑपरेट करनी होती हैं उनको इंटरप्रेट करता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, आपके कंट्रोल यूनिट्स होते हैं एंड अर्थमेटिक यूनिट्स होते हैं। अब आपके पास जो प्रोसेसर है उसके आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर आ जाता है, ड्यूल कोर प्रोसेसर आ जाता है, क्वाड कोर प्रोसेसर आ जाता है। मल्टी कोर प्रोसेसर आपका अप टू फोर जो होता है कोर आई
मीन के फोर उसमें चिप्स वगैरह लगी होती हैं, या कोर ड्यूअल कोर प्रोसेसर जो है तो आपके पास डबल प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा होता है, क्वाड कोर आपके फोर प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा होता है। अब हमारे पास जो प्रोसेसर है उसमें हमने बात की कि दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट। हम अगर पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर देखें अपने उसका कंप्यूटर, कंप्यूटर एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो हमारे पास प्रोसेसर है, मेमोरी है, डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइस है एंड आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हमारे पास डेटा, इनपुट डिवाइस से डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेमोरी में, और मेमोरी वो डेटा अपने पास लोड करती है एंड देन वो इंस्ट्रक्शन किसको ट्रांसफर कर देती है, प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर में आप एक कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक यूनिट अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दोबारा मेमोरी को डेटा प्रोसेस करके देती है। मेमोरी अब यहाँ से इस डेटा को क्या करती है कि स्टोरेज डिवाइस में भेजती है, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर देती है। अगर परमानेंटली आपने स्टोर करना है तो अपने पास में स्टोर करती है, और साथ में ही आपकी क्या कर देती है, आउटपुट डिवाइस में आउटपुट दे देती है। तो ये आपका बेसिक अगर आप कहें तो आर्किटेक्चर है आपकी उसका कंप्यूटर का, कि हाउ द कंप्यूटर इज वर्क, या आप कुछ कह सकते हैं उसको। प्रोसेसर में जो कंट्रोल यूनिट है वो आगे फर्दर क्या काम परफॉर्म करती है, कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है और बहुत से प्रोसेस क्या करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट आपके ए एल यू ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। ए एल यू ऑपरेशन कौन से होते हैं आपके, ए एल यू ऑपरेशन से ऑटोमेटिक ऑपरेशन से ये आपकी कंपेरिजन आ जाता है, कंपेरिजन में आपके आ जाते हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और ऑटोमेटिक ऑपरेशन आ जाते हैं कंट्रोल, ऑटोमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस तरह के प्रोसेस आ जाते हैं। अब प्रोसेसर में हमारे पास बात आती है कि फोर बेसिक इमेजेस ओवरव्यू देती हुई जाऊँगी आपको। जस्ट यहाँ पर आप यूँ कह रहे हैं कि मशीन साइकिल है, जो हर इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर के अंदर आती है तो उसमें ये चार स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आपकी कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट जो प्रोसेसर का हिस्सा है, आपको पता है कि प्रोसेसर के दो पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ए आई यू। अब वो क्या करती है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करती है, देन स्टेप टू में वो इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जब आपका सबसे पहले जो आपका प्रोसेसर है या आपकी मेमोरी है या जो भी सिस्टम है वो आपका इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा, ठीक है। फेच करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट की तरफ ट्रांसफर कर देता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शन आपकी डिकोड करता है उस प्रॉब्लम को, डिकोड इन सेंस कि आप जो उस प्रॉब्लम को डिकोड, ऑब्वियसली आपको पता है कि डिकोड क्यों किया जाता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है जीरो और वन की, जो वन को वो प्रॉब्लम को डिकोड करता है, डिकोड करके आपकी प्रॉब्लम ए एल यू को ट्रांसफर कर देता है, और ए एल यू आपको क्या करता है जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, देन स्टोर करता है मेमोरी में, साथ में आउटपुट देता है। अब देखिए यहाँ पर एक मैथ प्रॉब्लम है। अब यही बेसिक फोर स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट द प्रॉब्लम, डिकोड द प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट द प्रॉब्लम एंड स्टोर द प्रॉब्लम। एक मैथ प्रॉब्लम इंसर्ट किया गया, वो मैथ प्रॉब्लम कंट्रोल यूनिट ने फर्च किया मेमोरी में से, फर्च किया मेमोरी ने, फर्च मेमोरी से फर्च करने के बाद कंट्रोल यूनिट ने उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद उस कंट्रोल यूनिट ने उसको ए एल यू की तरफ ट्रांसफर कर दिया। ए एल यू ने आगे फर्दर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो रिजल्ट मेमोरी की तरफ भेज दिया, मेमोरी ने वो रिजल्ट अपने पास स्टोर भी किया और आपकी स्क्रीन पर आउटपुट भी क्या कर दी, शो कर दी। तो ये फोर बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसको आप मशीन साइकिल भी कहते हैं, फर्स्ट द इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक फीचर है प्रोसेसर का ही, मेन फीचर है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग आपका ये काम करता है कि प्रोसेसर बिगिन फर्स्ट और सेकेंड इंस्ट्रक्शन बिफोर इट कम्प्लीट द मशीन साइकिल फॉर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि प्रोसेसर आपका इंस्ट्रक्शन को फर्च करता है, पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही आपकी सेकेंड इंस्ट्रक्शन को भी फर्च कर देता है। यहाँ पर आप डायग्राम में अगर देखें तो पहले जो होता था मशीन साइकिल विदाउट पाइपलाइनिंग, पहले पूरी एक इंस्ट्रक्शन फर्च होती थी, देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन को वो फर्च करते थे। अब यहाँ पर विद पाइपलाइनिंग क्या है कि अभी पहली इंस्ट्रक्शन फर्च हो रही है, वो डिकोड हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो अपना काम परफॉर्म कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इंस्ट्रक्शन आती है तो वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे काम परफॉर्म कर देता है, इस तरह अगर थर्ड आती है तो थर्ड पे परफॉर्म कर देता है, फोर्थ आती है तो फोर्थ पे परफॉर्म कर देता है। तो ये हमारी पाइपलाइनिंग है जो कि अब लेटेस्ट कंप्यूटर्स में हमारे पास सपोर्ट की जाती है। अब देन हमारे पास प्रोसेसर में रजिस्टर्स आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेम्प्ररी डेटा अपना होल्ड करते हैं, इंस्ट्रक्शन होल्ड करते हैं, बहुत फास्टेस्ट होते हैं, ये प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं रजिस्टर्स।
सिस्टम क्लॉक का एक फीचर आ जाता है। सिस्टम क्लॉक आपको क्या करता है कि आपकी जो भी ऑपरेशन हैं कंप्यूटर की, उनकी टाइमिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, और कंप्यूटर की स्पीड को आप मैयर कर सकते हैं गीगाहर्ट्ज़ में, स्पीड को मैयर किया जाता है, और वो सिस्टम क्लॉक से भी अब आ जाते हैं कुछ लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जहाँ पर, जिनमें हमारे पास प्रोसेसर हैं, तो कुछ प्रोसेसर वो बनाती हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब जैसे जियॉन है और उसका 8 कोर है, 6 कोर मल्टी कोर प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, एनटीएम है, ऑप्ट्रम है। अब देखिए यहाँ पर इंटेल इंटेल के हैं सॉरी, और ये एडीएम का है ऑप्ट्रम का, तो ये सारे आपके पास प्रॉन है एनटीएम का, एएमडी का, एएमडी का है। अब ये जो प्रोसेसर्स हैं आपके, ये आपके डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन जाते हैं, देखिए इनमें मल्टी कोर अवेलेबिलिटी जो है वो कुछ प्रोसेसर्स में है, जैसे 6 कोर आपकी मल्टी कोर है, क्वाड कोर है, ड्यूअल कोर है, तो ये आपकी सपोर्ट कर रहे थे। ये जस्ट एज अ स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं कि कौन सा सिस्टम आपका कितनी कोर को सपोर्ट कर सकता है, कोर आपका कितनी कितनी स्पीड, उसमें प्रोसेसर कितने सपोर्ट किए जा सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जब आप एक परचेज करने जाते हैं सिस्टम, तो आपका क्या प्लान होता है, आप क्या देखते हैं। ये एक बहुत कॉमन सी बात है, इसमें हम इतनी डिटेल में डिस्कस ना भी करें तो हर इंसान को पता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट देखता है कि उसे कितनी जीबी रैम चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस काम के लिए अपना सिस्टम अपग्रेड करना है, अपना सिस्टम या अपना सिस्टम परचेज करना है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देखता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे ही वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली सिस्टम को क्या करना शुरू कर देता है, परचेज करना शुरू कर देता है। मीन टू से कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सिस्टम के लिए जो उसने परचेज करना है, तो वो चीज़ें देखना स्टार्ट करेगा, जैसे उसका प्रोसेसर उसको क्या चाहिए, उसको मेमोरी कितनी चाहिए, उसकी स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें और ये जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जब वो अपनी रिक्वायरमेंट देख लेता है, तो फिर वो ये देखता है कि ये रिक्वायरमेंट कौन सा प्रोसेसर अच्छी कंडीशन में एंड रीजनेबल प्राइस में मुझे प्रोवाइड करेगा। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं जो मैंने आपको समराइज करके बता दी है। प्रोसेसर की जो चिप होती है, आपको अपने पीछे देखा भी होगा मदरबोर्ड में एक चिप है, प्रोसेसर के लिए एक स्लॉट बनाई गई है और उसमें वो चिप आके इंसर्ट होती है। तो उस चिप को आपको ऑब्वियसली प्रोसेसर आपका कंटिन्यूसली आपकी क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपने उस प्रोसेसर की हीट को कवर अप करने के लिए कि आपका प्रोसेसर बर्न आउट ना कर जाए, तो आप लोग क्या करना होता है कि सिस्टम प्रोसेसर के ऊपर आप एक फैन इंसर्ट करते हैं जो आपके लिए लगातार क्या कर रहा होता है, हीट सिंक कर रहा होता है और आपके प्रोसेसर को बर्निंग से क्या करता है बचाता है। अब यहाँ पर एक लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है जो आपकी क्या करती है कि लिक्विड एक जनरेट करती है आपके प्रोसेसर के ऊपर। वो लिक्विड ऐसा होता है कि आपका चार्ज फ्री लिक्विड होता है जो जस्ट आपके प्रोसेसर को क्या कर रहा होता है, कूल अप कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पाइपलाइनिंग, जैसे आपने कहा था ना कि पाइपलाइनिंग सपोर्ट करती है, तो पाइपलाइनिंग हमारा फीचर सपोर्ट ही इसलिए करती है कि आप हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट फीचर बताई गई है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग तभी हमारी पॉसिबल होती है जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हों। तो मल्टीपल प्रोसेसर्स मीन प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3 एंड प्रोसेसर 4। अब हाँ, यहाँ पर हमारे पास 100 ऑफ प्रोसेसर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग ये होती है कि तमाम प्रोसेसर्स क्या होते हैं आपकी कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली आपकी क्या कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात आ जाती है डेटा रिप्रेजेंटेशन की। यहाँ तक हमारे पास सारा प्रोसेसर के कंपोनेंट्स को कवर अप हमने किया, कुछ कंपोनेंट्स को जैसे सीपीयू का एक कंपोनेंट हमने कवर अप किया प्रोसेसर, उसको हमने आपको बता दिया कि प्रोसेसर में क्या क्या फीचर्स होते हैं। पाइपलाइनिंग हमने डिस्कस की, उसकी मशीन साइकिल को हमने डिस्कस किया, देन हमने कहा कि पैरेलल प्रोसेसिंग का सपोर्ट करता है। सिस्टम क्लॉक को हमने डिस्कस किया जो कि आपकी क्या करती है, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनकी टाइमिंग को कंट्रोल करती है। अब आ जाता है हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन। तमाम के तमाम इससे फेमिलियर हैं कि डेटा आपकी दो फॉर्म में ट्रांसफर होता होता है, एनालॉग फॉर्म में एंड डिजिटल सिग्नल में। अब एनालॉग आपको पता है कि कंटिन्यूस वेव होते हैं, और डिजिटल आपकी क्या होते हैं कि 1 और 2 स्टेजेस होते हैं। अब आपको ये भी आपको आप इस चीज़ से भी फेमिलियर हैं कि जो आपका सिस्टम है या जो आपका कंप्यूटर है वो आपका 0 और 1 की जबान समझता है, लाइक ऑन एंड ऑफ, तो वो आपका डाटा बाइनरी होती है और वो आपकी बिट होती है, और 8 बिट का एक ग्रुप आपका मिलकर क्या बनाता है, एक बाइट बनाता है।
तो आपका एक इंस्ट्रक्शन या एक डेटा, जैसे आपने अगर एक करेक्टर को इंसर्ट किया तो उसके पीछे आपकी एक बिट की बाइनरी बनेगी। अब वो बाइनरी बनाने का तरीका यहाँ पर डिफाइन किया गया है। बाइनरी बनाने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि आपके पास एक आस्की करेक्टर डिफाइन किया गया है। वो देखिए यहाँ पर ये जो इन्होंने ऑन एंड ऑफ की बात की है, 0 एंड 1 ऑन एंड ऑफ, जिस पे बिट पे कोई चार्ज होगा तो वो ऑन होगी और जिस पे चार्ज नहीं होगा तो वो ऑफ होगी। अब वो बाइनरी करेक्टर की डिफाइन की गई है, तो वो आपकी बाइनरी बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास उसने कहा कि उसने नंबर 4 एंटर किया, मगर नंबर 4 एंटर करने के पीछे भी आपकी उसकी 8 बिट की बाइनरी होगी। और 8 बिट की बाइनरी में हम लोग नंबर 4 बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी बिट ऑन करनी है, हम वो बिट ऑन कर देंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये एक बिट ये ऑन की हुई है और एक ये एंड एक ये ऑन की हुई है। अब यहाँ पर ये दोनों बिट्स इन्होंने क्यों ऑन किए ये तो आप खैर रहने दें, मगर यहाँ पर जो बात होती है आपकी सॉरी बाइनरी बनाने की, वो मैं थोड़ा सा शॉर्टली सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आपकी शुरू होती है 1, सबसे पहले जो आपका नंबर होता है बाइनरी बनाने का वो 1 होता है। 1 के बाद आप 1 का डबल करते हैं, 2, 2 का डबल 3, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल आपके पास आ जाता है, जैसे सारा 4 का डबल 8, 8 का डबल फिर 8 का आगे डबल का डबल, इस तरह करते करते 124 तक आप लोग जाते हैं, 8 बिट्स तक जाते हैं। और उसमें से अब आपके पास जो नंबर आ रहा होता है तो आप उस नंबर को क्या कर लेते हैं, ऑन कर देते हैं। और अगर जो नंबर नहीं है उन बिट्स में से आपके पास, तो आप क्या करते हैं कि कुछ 2 बिट्स के कम्बिनेशन के साथ वो नंबर आप बना देते हैं। तो ये वो 2 बिट्स ऑन करने के बाद आपका वो नंबर बन जाता है। तो ये आपकी जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो रूल था, ये जो स्टैंडर्ड था, तो ये आस्की वालों ने डिफाइन किया था। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था जिसने ये डिफाइन किया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड डिफाइन किया था फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो वो ये सारा इन्होंने कोड आगे बताया है। अब ये बाइनरी बनाने का तरीका होता है, ऑब्वियसली 0 1 कोई भी नहीं याद कर सकता, तो दैट्स वाई हम लोग उसको अपनी मेमोराइज नहीं कर सकते 0 एंड 1 को। तो दैट्स वाई आस्की वालों ने एक रूल बताया था जो कि बाइनरी बनाने का एक रूल है। वो पूरा एक आप यूँ कह दें कि इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर ना कहें तो सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, बट वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप बाइनरी में से हाउ टू लेटर्स कन्वर्टेड टू बाइनरी फ्रॉम एंड बैक, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, वापस कैसे उसमें कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही आप कोई इंसर्ट करते हैं, कोई की इंसर्ट करते हैं, कोई भी वर्ड इंसर्ट करते हैं, जैसे शिफ्ट 3 यहाँ पर ये इंसर्ट करा है, तो आपका स्कैन कोड ओपन हो जाता है। जो आपके स्कैन कोड क्या करता है, उस कैपिटल लेटर की बाइनरी बनाता है। देखिए वो स्कैन कोड कैपिटल लेटर सेंड टू द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट उसको क्या करता है, लेटर की बाइनरी बनाता है, और बाइनरी बनाकर उसकी प्रोसेसिंग करके उसको मेमोरी में भेज देता है। और मेमोरी में भेजने के बाद वो देखें आपके पास टी वहाँ पर एस एग्जिट, वो आपका लेटर वापस कन्वर्ट करके वो आपका लेटर इमेज में शो कर रहा है आपका टी। तो अब देखें यहाँ पर बात आ जाती है आपके पास, अब मेमोरी की बात आ जाती है। तो मेमोरी हमारे पास कंसिस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, जो स्टोर करती है इंस्ट्रक्शन को, प्रोसेस करती है इंस्ट्रक्शन को, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपके इंस्ट्रक्शन को दोबारा आपके रिजल्ट को, प्रोसेस रिजल्ट जो होता है वो अपने पास दोबारा से स्टोर करती है। 3 बेसिक कैटेगरीज है मेमोरी की। मेमोरी में 3 बेसिक कैटेगरी के टाइप का आप यूँ कह दें कि डेटा स्टोर हो रहा था। एक आपका जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, देन आपके पास डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेस, डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। देखिए जैसे ही आपने डेटा लिया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डेटा आपका, ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके सिस्टम विंडोज़ वगैरह जो है उसके बगैर आपका सिस्टम ऑन नहीं होता, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है। फिर बाकी अपने फर्दर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको स्टोर करेगी। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कोई भी हो सकते हैं आपके, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास लोड करती है, और जो डाटा प्रोसेस होने वाला होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास क्या करती है, लोड करती है। मेमोरी के डिफरेंट साइज हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट मेमोरी को मेजर किया जाता है। ये साइज उन्होंने बता दी है आगे इनको डिस्कस करने की, अलग इन डिटेल्स जो रखेंगे। आपको पता है कि मेमोरी 2 तरह की होती है, वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी आपका डाटा जैसे ही सिस्टम पावर ऑफ होता है तो आपका सारा डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसमें डाटा आपका लॉस नहीं होता। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आपकी मेमोरी में आती है तो क्या काम परफॉर्म हो जाता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपकी हार्ड ड्राइव में होती है, और जैसे ही मेमोरी में हम रिसीव करते हैं तो मेमोरी में आपकी इंस्ट्रक्शन क्या होती है,
लोड होती है, वो इंस्ट्रक्शन आपकी मेमोरी में लोड हो गई। लोड होने के बाद वो आपके सिस्टम पर अपेयर हो जाती है, वो आपके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ही आपने पावर ऑन किया तो मेमोरी में इंस्ट्रक्शन लोड हुई और वो आपका विंडोज कंप्यूटर आपके सिस्टम पर नजर आया। और यहाँ पे वेब ब्राउजर इंस्ट्रक्शन आपको दी, जो हार्ड ड्राइव में आपके पास इंस्टॉल है वेब ब्राउजर, उसकी इंस्ट्रक्शन आपके पास टेम्पररी मेमोरी में लोड हुई और वो इंटरफेस आपका स्क्रीन पर नजर आ गया। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरा प्रोग्राम पेंट को ओपन किया। पेंट को ओपन करने के बाद आपका जो है आप कह सकते हैं कि रैम में लोड हुआ, रैम में लोड होने के बाद वो वेब ब्राउजर पे शो हुआ, लाइक वेब ब्राउजर के साथ ही आपका पेंट भी अपेयर हो गया आपकी विंडो पे इंटरफेस पे, ठीक है। इंटरफेस उसका भी आपके पास प्रोवाइड किया गया। अब आप चाहते हैं कि आपको वेब ब्राउजर आपको जरूरी नहीं है तो अब वेब ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। तो वेब ब्राउजर को क्लोज करने का मतलब ये होता है कि समटाइम आपके पास अगर आप क्लोज नहीं भी नहीं करते तो आपकी मेमोरी में उसमें स्पेस ली होती है, तो आप उसको क्लोज करते हैं तो उसमें आपकी मेमोरी से वो इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन क्या हो जाती हैं अनलोड हो जाती हैं या लॉस हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। और जैसे ही मेमोरी से रिमूव होती हैं तो आपके पास से इंटरफेस भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की थी वो भी आपके पास फ्री हो जाती है। अब हमारे पास मेमोरी आ जाती है, डायनामिक मेमोरी है, स्टैटिक मेमोरी है एंड एम रैम मेमोरी है। तो आपके पास जो डायनामिक मेमोरी है वो आपके पास आप उसको कह सकते हैं कि उसके डिफरेंट वेरिएशंस आए हैं, एस टी रैम है, डी डी रैम है, डी डी आर टू है, डी डी थ्री है। डी डी आर टू जो है तो वो आपकी सेकेंड जनरेशन है, डी डी आर थ्री जो है तो वो सेकेंड थर्ड जनरेशन के लिए डिज़ाइन की गई थी, ठीक है, और फास्टर देन डी डी आर टू थी। अब आर डी रैम है तो आर डी रैम आपकी फीचर जो है सपोर्ट करती है पाइपलाइनिंग के, जो आपके करंट सिस्टम्स में फीचर प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी की, ये देखें यहाँ पर मदरबोर्ड में आपने जैसे मेमोरी की स्लॉट देखी थी तो यहाँ पर मेमोरी की चिप वो क्या करें इंसर्ट करें इस मेमोरी स्लॉट में। और जैसे ही वो चिप इंसर्ट होगी तो ये मेमोरी आपकी इनेबल हो जाती है ऑटोमेटिकली और आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन प्रोसेसर के साथ शुरू हो जाती है। अब मेमोरी में उन्होंने बता दिया है कि 2 GB रैम आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आप सिर्फ अपना पर्सनल यूज़ के लिए उसको रिक्वायर्ड हो सकती है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल जैसे एजुकेशन लेवल पे लो लेवल पर आपकी एजुकेशन लेवल जैसे आप जैसे अपनी असाइनमेंट्स लेना देना इस तरह का काम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं 2 GB और 2 GB से लेस। बट आप अगर आपका हाईली रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर कुछ बहुत अपग्रेडेड आपको चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, देन आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको मोर देन 2 GB और 8 GB तक आप जा सकते हैं। जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना आपका सिस्टम क्या है प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होती है। देन आपके पास आ जाता है आपके पास 8 GB की, अगर आपने बहुत ही हाईली प्रोफेशनल 3D डिज़ाइनिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो आप 8 GB मिनिमम आपके सिस्टम को रिक्वायर होती है 8 GB, बट 8 GB से अप भी आप रख सकते हैं। आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम हैंग आउट ना हो, प्रोसेसिंग उसकी अच्छी जा रही हो तो आप ये अपना उसमें कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मेमोरी कैशे। मेमोरी कैशे आपके प्रोसेसर में मेमोरी कैशे होती हैं, इसके 3 लेवल होते हैं, L1 कैशे है, L2 कैशे है और L3 कैशे है। मेमोरी कैशे में वो चीज़ें स्टोर की जाती हैं जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस को, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं तो वह आपकी मेमोरी कैशे में स्टोर किए जाते हैं। और इसके 3 लेवल हैं, L1 कैशे, L2 कैशे एंड L3 कैशे। L1 और L2 आपका प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, डाटा फ्रिक्वेंटली जो यूज़ हो रहा था उसमें स्टोर किया जाता है। L2 कैशे जो है तो वो L1 L2 से फास्टर है और L3 कैशे आपकी सेपरेट करती है जो आपकी L1 और L2 कैशे है उसको आपकी मीन के कैशे को कैशे की चिप को आपकी सेपरेट करती है मेमोरी चिप से। और रैम आपको पता है कि जब आपने कैशे बनाई है तो रैम उससे स्लोअर होगी और कैशे उससे फास्टर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीड ऑनली मेमोरी की। अगर बात की जाए तो रीड ऑनली मेमोरी के भी बहुत से फीचर्स हैं जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताए हैं। उसमें पी रोम है, ई पी रोम है, डबल ई पी रोम है, तो इन तमाम के फीचर्स बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो आपकी क्या करती है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करती है। यहाँ पर जैसे एक उन्होंने पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करती है और री रिटर्न कर रही होती है डाटा को, वो फ्लैश मेमोरी है। जैसे यहाँ पर से हमने म्यूज़िक डाउनलोड किया और वो हमने अपने मीडिया प्लेयर जो हमारे पास पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है उसमें हमने ट्रांसफ़र किया है म्यूज़िक, तो वो उधर से हमारे पास एक केबल है जिसके थ्रू वहाँ से यहाँ से हम लोग उसको इरेज करेगी। हम कहते हैं कि कट और पेस्ट वाली बात करते हैं तो यहाँ से इरेज करके वहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं उसको पेस्ट कर देते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉनिकली फ्लैश मेमोरी है जो इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पर मेमोरी की बात की गई कि मेमोरी का एक्सेस टाइम जो मेमोरी के मैयरमेंट की मेमोरी काम कैसे करती है, तो मेमोरी 10 मिलियन ऑपरेशन परफॉर्म करती है 1 नैनो सेकेंड में, मीन मेमोरी 1 ब्लिंक में। और मेमोरी की मेयरमेंट जो हो रही होती है वो नैनो सेकेंड्स में होती है, कि वो 1 सेकेंड में 1 ब्लिंक में आपके 10 मिलियन ऑपरेशन क्या करती है परफॉर्म करती है। तो आपके पास आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स आ जाती हैं, जो अडाप्टर कॉर्ड्स हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था ऊपर हमने मदरबोर्ड पे। अगर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, मदरबोर्ड पे एक्सपेंशन कार्ड्स हमने डिस्कस किए थे, अडाप्टर कार्ड्स और एक्सपेंशन कार्ड्स का हमने स्लॉट को डिस्कस किया था। ये काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा हमें, है आपको दिखा देती हूँ, वो आपके माइंड में एक पिक्चर बैठ जाएगी। ये स्लॉट्स थी अडाप्टर कार्ड की और एक्सपेंशन कार्ड की। अब ये हम लोग डिस्कस करें, तो ये हमारी डिस्कशन में हमारे पास कहाँ पर चला गया हमारा टॉपिक, सॉरी हमारा टॉपिक आता है एक्सपेंशन कार्ड और अडाप्टर कार्ड। एक्चुअल में यूज़ इसलिए किए गए हैं कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइस अगर आपने इंसर्ट करनी है, तो आप थ्रू एक्सपेंशन कार्ड या अडाप्टर कार्ड के उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, फॉर द टाइमिंग आपको आपकी रिक्वायरमेंट बाकी आपके सिस्टम की अच्छी है तो आपको एक ग्राफिक कार्ड चाहिए, वीडियो कार्ड चाहिए, जस्ट आप कोई वीडियोस बना रहे हैं बहुत हाई लेवल की, उसके लिए आपको वीडियो कार्ड चाहिए, तो वो आप एक्सपेंशन कार्ड अपने पूरा एक सिस्टम परचेज करने के बजाय आप क्या करते हैं कि एक्सपेंशन कार्ड उसकी लाइक उसके लिए आप स्लॉट्स के लिए आप उसके कार्ड्स परफॉर्म कर देते हैं, वो जो उसकी एक्सपेंशन स्लॉट्स वहाँ पर डिफाइन की गई है मदरबोर्ड में, उनके साथ उनको अटैच कर देते हैं एज इट इज, जैसे मेमोरी। अब ये जो आप पेरिफेरल डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, आप वापस इंस्टॉल करते हैं, तो वो प्लग एंड प्ले का फीचर बताती हैं। प्लग एंड प्ले का फीचर ये होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वो डिवाइस इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है और उसको रनेबल पोजिशन में ले आती है, एनेबल कर देती है टू एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सी फ्लैश मेमोरी में कौन सी चीज़ें इंस्टॉल हैं, आपको पता है कि आपकी सबसे पहले यूएसबी ड्राइव है फ्लैश मेमोरी में इंस्टॉल है, मेमोरी कार्ड है, एक्सपर्ट कार्ड मॉड्यूल्स हैं, ये सारे आपको देख के समझ आ रही होगी, बहुत हद तक आप इन सबसे फेमिलियर होंगे। ऑब्वियसली आजकल मोबाइल का दौर है तो पिक्चर्स वगैरह हर बंदा पिक्चर्स बनाता है, उनमें एडिटिंग कर रहा होता है, कैमराज बहुत अच्छे अच्छे रखे गए हैं, तो उनमें से मेमोरी कार्ड निकाल के अपने सिस्टम में मेमोरी उनमें अगर फुल हो जाती है तो सिस्टम में वो सारी क्या की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं और वहाँ से इरेज की जाती हैं, तो ये सारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं पोर्ट्स और कनेक्टर। वो पोर्ट्स और कनेक्टर क्या होते हैं, कि वो पोर्ट्स होती हैं या वो कनेक्टर्स होती हैं जो आपकी केबल को पोर्ट के साथ जॉइन करती हैं या आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस को आपके सिस्टम के साथ अटैच करती हैं। तो डिफरेंट कीबोर्ड की अलग पोर्ट है, माउस की अलग पोर्ट है, माइक्रोफोन की अलग पोर्ट है, ये तमाम डेस्कटॉप पे डिफाइन की गई हैं। अब अगर बात की जाए तो आज बहुत सी उन्होंने लैपटॉप की पोर्ट्स बता दी हैं, यूएसबी पोर्ट है, मोडेम पोर्ट है, एक्सप्रेस कार्ड पोर्ट है, ये डिफरेंट टाइप की पोर्ट्स जो आपके लैपटॉप के साथ डिफाइन की गई हैं, पोर्ट्स बनाई गई हैं, और इनमें आप वो केबल जो होती है आपकी जो भी आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, जैसे माइक्रोफोन अटैच करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, चार्जर को इंसर्ट कर देते हैं, पोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। ये डिफरेंट पोर्ट्स की पिक्चर्स हैं जो आपने यहाँ पर इन पिक्चर्स को ऐसे देखना है, लेकिन कीबोर्ड की पोर्ट की पिक्चर कौन सी है, माइक्रोफोन की कौन सी है, मॉनिटर को, ये सारी डेस्कटॉप पर डिफाइंड पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो आपकी डेस्कटॉप पर डिफाइन की गई है। इनको आप पिक्चर की मदद से आप इनको इनसे फेमिलियर हो सकते हैं कि अगर आपके पास ये आती है ना फ्रंट सराउंड साउंड सब रूफ का आप अगर फीचर उसमें पोर्ट डालना चाहते हैं, उसका पेरिफेरल डिवाइस उसके साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि ये इसकी पोर्ट है, टीवी केबल की ये पोर्ट है, तो माइक्रोफोन की ये पोर्ट है, हेडफोन की ये पोर्ट है, तो आप उन पोर्ट्स में इंसर्ट करते हैं। नेम तो ऑब्वियसली लिखे होते हैं, पोर्ट की पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं। अब बात आती है कि आपके पास करंटली अगर आप लोग देखें तो आपके पास बहुत सी पोर्ट्स जो हैं, एक सिंगल जो पोर्ट होती है वो बहुत सी पोर्ट्स को, बहुत सी पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। जैसे अगर आप आज की बात देखें तो सेम एज पोर्ट डिफाइन की गई है माउस के लिए भी एंड किसके लिए भी, आपके कीबोर्ड के लिए भी, आपके मोबाइल डाटा केबल के लिए भी है, आपके माइक्रोफोन्स के लिए भी है। तो वो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक पोर्ट के साथ आप 127 डिफरेंट पोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये देखिए उन्होंने डिफरेंट बता दिया कि ये अगर देखें टाइप ए, टाइप बी, टाइप मिनी बी, तो ये सारी पोर्ट्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, और इस तरह की डिफरेंट पोर्ट्स आपको
और भी डिफरेंट पोर्ट्स होंगी जो उनको सपोर्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट पोर्ट्स के नेम बता दिए हैं उन्होंने, ब्लूटूथ पोर्ट है, फाइव वाई पोर्ट है, एंड डिफरेंट सीरियल पोर्ट है, MIDI पोर्ट है। ब्लूटूथ पोर्ट को बता दिया गया है, थोड़ी सी उनको डिफाइन कर दिया गया। तो ऑब्वियसली सेम काम ही है ब्लूटूथ पोर्ट, अगर ब्लूटूथ आपने इंस्टॉल करना आपके सिस्टम में नहीं है तो आप ब्लूटूथ की बनी हुई पेरिफेरल डिवाइस लेंगे और आप अपनी उस सिस्टम की जो भी पोर्ट होगी, USB पोर्ट है, उसके साथ उसको अटैच कर देंगे। और अब यहाँ पर देखिए एक मेन इन लोगों का फीचर यह है प्लग एंड प्ले का। जैसे ही आप कोई भी पेरिफेरल डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो वो खुद ही अपने सिस्टम को क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर को रन करती है और फिर उससे रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मेमोरी में लोड करके उसके सारे ऑपरेशंस क्या करती है, परफॉर्म करती है। इसी तरह यहाँ पर एक पोर्ट एंड कनेक्टर को डिफाइन किया गया है, पोर्ट रेप्लिकेटर है आपका एक, जो आप डॉकिंग स्टेशन की बात की गई है कि आप जैसे ही इसको आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक फ्लैश मेमोरी बना देता है, फ्लैश उसका प्रोवाइड कर देता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, और फिर आप उसके साथ को अटैच करते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, पोर्ट्स के डिफरेंट अटैचमेंट बताई गई हैं। अब बात आ जाती है बसेस की। अब देखिए कि आपके पास ये सारी बातें आ गई, मेमोरी की बात कर दी हमने, पेरिफेरल डिवाइसेस की बात कर दी हमने, सीपीयू के सॉरी सिस्टम यूनिट्स के कंपोनेंट सारे हमने, प्रोसेसर को, मेमोरी को, पोर्ट्स में हमने एक्सपेंशन स्लॉट्स को, अडाप्टर कॉर्ड्स को, इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब ये तमाम आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये तमाम आपके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपकी बसेस के थ्रू, ठीक है। अब वो बसेस आपकी डिपेंड कर रही होती हैं आपके प्रोसेसर पे, कि आपका प्रोसेसर कितना है, आपकी रैम कितनी है, आपका प्रोसेसर कितना है, आपकी रैम कितनी है, उसकी स्पीड पर डिपेंड कर रही होती है। जितनी आपकी रैम होगी तो वो उतनी बिट, जैसे आपकी 8 बाइट है आपकी रैम तो 8 GB है, तो आपकी रैम या आपके प्रोसेसर की स्पीड देखिएगा तो आपके वो तमाम के तमाम उस पर डिपेंड करो, तो वो उतने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उतनी स्पीड का डाटा आपके पास क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। अब जैसे देखें यहाँ पर प्रोसेसर बस में दो चीज़ें होती हैं, अब यहाँ पर एड्रेस बस होती है और डेटा बस होती है, ठीक है। डेटा बस आपका डेटा लेके जा रही होती है और एड्रेस बस आपका क्या कर रही होती है, एड्रेस लेके जा रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल CU आपका कंट्रोल कर रहा होता है। वर्ड साइज इज द नंबर ऑफ बिट दैट प्रोसेस कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट एट द गिवन टाइम। अब वर्ड साइज क्या है कि वो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं कि इस इतने टाइम में आपने इतने नंबर ऑफ बिट्स को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो वो ऑब्वियसली आपकी मेमोरी कितनी बिट्स को सपोर्ट करती है, कितने बाइट्स को सपोर्ट करती है, आपके प्रोसेसर की स्पीड क्या है, तो वो सारी चीज़ें बसेस पर डिपेंड कर रही होती हैं। अब बसेस डिफरेंट आपके पास आ जाती है, PCI बस आती है, एक्सप्रेशन बस आती है, एक्सीलरेटर ग्राफिक पोर्ट बस आती है। तो ये डिफरेंट तमाम बसेस होती हैं जो आपकी डिवाइसेस के साथ अटैच की गई होती हैं। अब ड्राइव बाय के हमने एक फीचर पढ़ा था, तो वो आपने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आप जैसे ही कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं थ्रू ड्राइव, तो आप उस आपने देखा होगा कि लैपटॉप में भी पहले आपका ड्राइव आता था, ड्राइव का ऑप्शन होता था ड्राइव बाय का, मगर अब बहुत हद तक ये सारी चीज़ें आप थ्रू USB के इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ड्राइव बाय आपके पास एक बुक प्रोवाइड की गई होती थी, ड्राइव का, जहाँ पर आप अपनी CD इंस्टॉल करते थे, इंसर्ट करते थे, और थ्रू वहाँ पर आप सारी अपनी उस CD से रिलेटेड आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आप उसको इंस्टॉल करते थे। पावर सप्लाई का आपको पता ही है कि पावर सप्लाई जैसे ही आपके सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल मिलता है तो आपका सिस्टम क्या करता है कि आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। तो द पावर सप्लाई कन्वर्ट द वॉल आउटलेट AC पावर इंटू DC पावर। ऑब्वियसली एनालॉग आपकी जो AC पावर होती है उसको DC पावर में आपके सिस्टम के पावर के लिए में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सम एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस हैव एन AC अडाप्टर व्हिच एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। कि कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस के पास क्या होते हैं, AC अडाप्टर्स होते हैं, और दैट्स वाई हम लोगों को ये एक फीचर उसमें रखना पड़ता है कि जैसे अगर उसमें AC पावर की वो है तो वो हमारे पास DC में कन्वर्ट हो, और DC में है तो DC से वापस AC में कन्वर्ट करके उन डिवाइसेस की तरफ आप कम्युनिकेट करें। अब यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो एक साथ बताई गई है, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, कि आपको होम के लिए एक सिस्टम चाहिए तो उसके लिए 2 GB आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड है, Core i5, Core i3, AMD का एथलॉन एंड सेप्रॉम आपके लिए सपोर्टिव है। इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप अपने सिस्टम को देखते हैं और फिर उसको क्या करते जाते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं। अब जैसे पावर है तो इसके लिए आपको 8 GB मिनिमम रिक्वायर है, और हाई से हाई जितनी आप GB क्या होगा, सिस्टम आपका हैंग आउट नहीं होगा, 4 GB है। अब यहाँ पर क्लीनअप की हमने बात की थी कि एक चीज़ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने अपना सिस्टम क्लीनअप करना है, तो क्लीनअप यही होता है कि ईयर में आप तकरीबन 2 दफ़ा आप अपने
सिस्टम को ओपन करें, मीन लाइक अपने सीपीयू को ओपन करें, और उसमें जो आपकी फेन है उसको ब्लो ड्रायर से, उसके ऊपर डस्ट होती है कुछ जो जम जाती है उसको साफ़ करें, मेमोरी को निकाल कर मेमोरी की चिप को उसकी उसको साफ़ करें, और ब्लो ड्रायर से कोशिश करें कि तमाम जो वायर्स और इनके दरमियान जो डस्ट जमा हो चुकी है उस तमाम को क्या करें, क्लीन अप करें, और अपनी स्क्रीन को ऐसे किसी वायर से, जैसे आप मोबाइल स्क्रीन को क्लीन अप करते हैं तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को भी आप क्या करें, क्लीन अप करें। तो ये सारे वो फीचर्स यहाँ पर डिफाइन किए। अब यहाँ पर टाइम स्क्रीन की भी डिस्कशन की गई है जो वीडियो के लिए यूज़ की जाती है। अब ये हम अगर समराइज करें तो हमने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कंपोनेंट हमने डिस्कस किए, सिस्टम यूनिट के, मेमोरी डाटा कैसे स्टोर करती है ये हमारी डिस्कशन रही है, इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, देन हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस का क्या फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, डाटा को हम लोग जो तमाम हमारे पास सिस्टम है हम उसको क्लीन अप कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जो था सीपीयू, आप कह दें सिस्टम यूनिट या सीपीयू या आप उसको कह दें एंड स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड, जिसमें हमने जस्ट अगर आप बात करें ओवरऑल तो हमने एक जो आप बात करें अपने डेस्कटॉप जो आपका केस है सिस्टम केस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो सारे जिसको हम एक्चुअली सीपीयू कह रहे होते हैं, तो वो सारे हम लोगों ने क्या किए हैं डिस्कस किए हैं अपने आज के लेक्चर में। ये सारी हमारी डिस्कशन रही आज के लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।